अब ना तो हमारे पास नौकरियां हैं, हमारे कोई रिक्शे नहीं चल रहे, बिल्कुल कोई रिक्शे नहीं चल रहे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से एक खबर सुर्खियों में है, वो है ई रिक्शा। अमूमन तौर पर ई रिक्शा को आप लोग भी यूज़ करते होंगे, जब मेट्रो से बाहर निकलते हैं तो याद आती है ई रिक्शा जो घर तक पहुंचाती है। ये तमाम जो देख रहे हैं आप, ये ई रिक्शा चालक हैं और अब इनकी मांग है कि ई रिक्शा चलाया जाए, जो कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी चलने नहीं देते हैं सड़कों पर ई रिक्शा, उसको अवैध करार देते हैं, उसको नंबर प्लेट का वो बताते हैं कि नंबर प्लेट नहीं है। इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मेहंदी सिंह, कतार सिंह प्रधान हूँ मैं, मेहंदी यहाँ का। कुछ मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे आप लोग? सड़कों से हमारी साहब मांग यही है, सरकार ने जो ऑर्डर दिया है कि इन रिक्शों को, अवैध रिक्शे हैं ये अवैध रिक्शों को तोड़ा जाए, ये सरकार का ऑर्डर है जी। उस सरकार को ये गलत फैसला लिया है, इस सरकार ने हमारे साथ एक धोखाधड़ी वाला काम किया है। अब सरकार कह रही है कि इनको ख़त्म किया जाए, हम सब 10 रुपये कमाने वाले हैं, कोई हमारे पास बिजनेस कोई है नहीं और ना ही कोई हमारे पास ऐसा वो है, ये हमारा सिर्फ एक जरिया है रोजी रोटी का। अब ना तो हमारे पास नौकरियां हैं ना कुछ है, बच्चों को छोड़ना हमारा, बच्चों का काम, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बच्चों को हमारा काम, ना नौकरी है उनके पास ना कुछ है, अब हमारा छोटा मोटा ये गुजारा है, ये 10 रुपये 500 रुपये गुजारा करते हैं, यही सरकारें हमें बंद कर रही हैं हमारा। अच्छा, अगर लगता है कि सड़कों पर आप लोग वाकई अवैध ई रिक्शा चलाते हैं? सब अवैध कोई नहीं चलाता, ये सरकारों ने नाम रख दिया है, ये जो सरकारें हैं इन्होंने खुद ने किया है, इनकी जो भी इन्होंने आपस में बैठ के जो भी मीटिंग की है इन्होंने बहुत गलत की है, चाहे वो सरकार कौन सी भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार से हमारी अपील है कि भाई इन रिक्शों के पीछे मत पड़ो, इन गरीबों का गुजारा होने दो, नहीं भुखमरी छा जाएगी मेरे भाइयों और कुछ नहीं होगी। आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सरकार से कहते हैं कि सोच समझ के इनके ऊपर हुकूमत की जाए, इनको रिक्शों को माफ़ किया जाए, जो फैसला लिया है वो वापसी ले आ जाए। ठीक है, हम 2 दिन की हमने हड़ताल किया, हमारा दूसरा दिन है, ना कोई नेता आ रहा है पूछने के लिए, ना कोई और आ रहा है हमारा, हम रोड पे खड़े हैं और सरकार भी हमें अब कुछ भी नहीं, हम चुपचाप अपने एक साइड में खड़े हैं, ना कोई हमारा लड़ाई झगड़ा है, ना किसी से मार तोड़े, हम शांतिपूर्ण से हम अपना 2 दिन हम अपने ये हड़ताल खड़े हुए हैं जी। संक्षिप्त में बताइए, चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में सरकार आपके द्वार आएगी तब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल साहब, जवाब मांगेंगे उनसे हम कि जिस टाइम में आपकी लोड़ थी हमारी, जब तो आए नहीं, अब तुम्हारी लोड़ है, अब तुम घर बैठो, हम सोच समझ के जहाँ भी जाएंगे वहाँ बात करेंगे। क्या कहेंगे जब सड़कों पर आप ई रिक्शा लेकर निकलते हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी का क्या कहना होता है? वो भी कहते हैं अवैध है या रिक्शा ही पकड़ लेते हैं? सर जैसे है कोई मेन रोड पे जैसे हम निकलते हैं तो हमारे रिक्शे को पकड़ा जाता है, पकड़ के उनको एकदम से तोड़ दिया जाता है, और कुछ नहीं कर रहे, तोड़ रहे हैं सर, और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिक्शे को पकड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चाहे वो नंबर वाला हो चाहे विदाउट नंबर वाला, वो कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ तोड़ रहे हैं, तोड़ के ख़त्म कर रहे हैं रिक्शे को। आप लोगों में से ये भी बात सामने आती है कि जिस सड़क पर रिक्शा चलता है अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस सर्कल में है तो आप लोग कुछ मंथली भी देते हैं उनको? नहीं नहीं, मंथली हमारा कुछ नहीं जाता, हमारे को यहाँ से कोई पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक वाला हमें कोई परेशान नहीं कर रहा, हमारी कोई मंथली नहीं जाती। वो जो 5 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले आते हैं और वो सिर्फ गाड़ी को पकड़ते हैं, तोड़ तोड़ के ख़त्म कर देते हैं वो गाड़ी, हमें सिर्फ 5 नंबर से दिक्कत हो रही है, जो भी परेशानी है वो 5 नंबर से हमारे को परेशान किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा उनके साथ क्रेन होती है, वो तोड़ के उसमें गाड़ी में भर के ले जाते हैं। क्या कहेंगे सर आप? मेरा कहना तो ये है जी कि जितने भी गरीब रिक्शे वाले हैं, पहले तो चलवा दिए रिक्शे, गरीब आदमी को दे के काम करवा दिया, जो आदमी 300 रुपये 400 रुपये कमाता था, अब छोटे बच्चे थे उनको स्कूल का खर्चा चाहिए, बच्चों का खर्चा चाहिए, वो कहाँ से लाए? अगर रिक्शा नहीं चलाएगा तो भूखे मर जाएंगे, घर में राशन नहीं है, कहाँ जाए वो? अगर तो रिक्शा चलाएगा ना, रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट भरेगा। अब ये देखो 5 नंबर वाले, ना तो नंबर वाले देख रहे हैं ना बिगर नंबर वाले को देख रहे हैं, जो भी आए, अब मेरा बैंक से मेरा रिक्शा ई रिक्शा, अब मैं अगर उनको बैंक वाले को किस्त नहीं दूंगा तो कहाँ से लेके आऊँगा पैसे, मैं कोई डकैती मारूँ? क्या कहेंगे आप? सर मैं ये एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो LG ने फैसला लिया है उन्होंने ये चीज़ कही थी कि भाई जो क्या नाम है इसका, अवैध चार्जिंग जो हो रही है, गाड़ी अवैध चार्जिंग हो रही है, जो अवैध पार्किंग है उसको बंद किया जाए, लेकिन ये रिक्शे को क्यों कर रहे हैं हमें तो ये नहीं समझ आ रही,
कि अवैध चार्जिंग और पार्किंग बोला गया है इसमें जो एलजी ने फैसला किया, हमारे ऊपर रिक्शों के ऊपर गाज डाल दिए और अवैध ई रिक्शा, अवैध ई रिक्शा, अवैध ई चार्जिंग भी हो रही है और अवैध पार्किंग भी लग रही है, उनको तो कुछ नहीं कर रहे, हमारे को परेशान करे जा रहे हैं गरीब आदमी। और एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगा मैं कि एकदम से ये फैसला लिया गलत लिया है, अगर हमारे रिक्शे खत्म कर दिए जाएंगे, हमारे पास रोजगार नहीं दिया हमारे को, हम कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे अंतिम सवाल आपसे, अगर इस तरीके से जिस आप हड़ताल पर हैं, आपका कहना है कि कोई नेता नहीं आ रहा, कोई प्रशासनिक लोग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? हम साहब क्या करेंगे, आप धरना देंगे साहब? धरना देंगे? सरकार के बारे में हल्लड़ हाई उल्लड़ करेंगे नहीं, बैठ के हमारे को धरना देंगे? जो हमारे से जो गरीबों से होगा, जो बैठे भाई जैसे आपने देखा जी, ऐसे बैठे हुए, हमारे कोई रिक्शे नहीं चल रहे, बिल्कुल कोई रिक्शे नहीं चल रहे हमारे, और ना कोई चला रहा है। हमने कल चलाएंगे, कल फिर हमें पुलिस तड़पेगी, फिर हमें 5 नंबर वाले पकड़ेंगे, ट्रैफिक वाले पकड़ेंगे, हमें पुलिस वाले पकड़ेंगे, फिर हमारे साथ अन्यानसाफ़ी होगी। हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? हमें सरकारों से कह रहे हैं हम जाएँ तो कहाँ जाएँ जी? हमारा न्याय करो, न्याय करो, हमारे साथ गरीबों के साथ मत रहो। नहीं, हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, कोई साथी नहीं होगा, हमारा साथी ई रिक्शा है। हाँ ठीक है, तुम अवैध कहते हो कि भाई जो अवैध रिक्शे हैं वो अवैध, जाके देखो ना आप, जिसकी रिक्शे हैं आप उसको छोड़ दो, बाकी अवैध हो पकड़ो, ये करो, आप सबको ही लपेट में, गरीब का रिक्शा उसको भी जोत रहे हो, जो आ रहा है उसको लपेट रहे हो, ये कहाँ का कानून है दसा होना? हम सरकारों से कहते हैं कि कहाँ का कानून है, को कानून निकालो आप हमें सर्विस लाइन दे दो, आप हमें रोड को मत दो परमिट, हमें कॉलोनी का दे दो। अरे सरकारें बैठी है, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है? आपने सुना होगा गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये ठीक उसी तरीके से है। आपको बता दें कि वैध के साथ अवैध भी पिस रहा है और अवैध के साथ वैध भी पिस रहा है। इन तमाम रिक्शा चालकों का आरोप है कि जो वैध रिक्शा है सड़कों पर, आखिर उसको भी अवैध करार दिया जा रहा है, वो सरासर गलत है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में इन तमाम ई रिक्शा चालकों की एकजुटता आखिरकार क्या कहती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मेरे पीछे जो तमाम रिक्शा देख रहे हैं, ई रिक्शा चालक हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चुनाव बेहद नज़दीक है। इनका ये भी कहना है कि ये जवाब मांगेंगे जब सरकार इनके द्वार जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।